हम तेलंगाना, राजस्थान, जयपुर, दिल्ली और बहुत जगह खेले हैं। पहली फाइट मेरी ग्रीन पार्क में ही पड़ी थी, जिसमें गोल्ड मेडल आया था। सपने क्या होते हैं ये आप जान सकते हैं 13 वर्षीय पूजा चौहान से, जो ताइक्वांडो चैंपियन है। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर के पास बांस और पॉलिथीन शीट के बने कच्चे घर में रहने वाली पूजा ने अपनी लगन और मेहनत से स्टेट और नेशनल स्तर पर ताइक्वांडो में मेडल्स जीते हैं। हाल ही में पूजा ने स्टेट लेवल ताइक्वांडो कॉम्पिटिशन, जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, वहाँ सिल्वर मेडल जीता है। उनके पिता चाय की दुकान चलाते हैं और गरीब परिवार से हैं। वे पूजा के लिए कोच की फीस तक नहीं भर पाते, पर पूजा फिर भी खुद प्रैक्टिस करके प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी जीत के झंडे गाड़ रही है। यहाँ से कुछ बच्चे रनिंग करके जा रहे थे सुबह, तो हमने देखा, पापा से कहा, पापा ये क्या चीज़ है? तो पापा ने बताया ये खेल है ताइक्वांडो। तो हमने बोला कि हमको भी ज्वाइन करना है, तो पापा ने बोला ठीक है। फिर वहाँ से हम ग्रीन पार्क गए, ग्रीन पार्क से सर से मिले, सर से फिर एडमिशन हुआ, दीपक सर से मिले, फिर उनसे एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद फिर खेलते गए, फिर पहली फाइट मेरी ग्रीन पार्क में ही पड़ी थी, जिसमें गोल्ड मेडल आया था। और भी बाकी जगह पड़ी, डिस्ट्रिक्ट में पड़ी। कहाँ कौन कौन से स्टेट आप गई जहाँ मेडल मिले आपको? दो बार लखनऊ गए, दिल्ली गए, राजस्थान, जयपुर, तेलंगाना और हरियाणा, और भी बहुत सी जगह गए। सुबह से शाम तक का 100-200 रुपए की जो दुकानदारी कर लेता हूँ, उसी से बच्चों का पेट पाल रहा हूँ और घर चला रहा हूँ और उनकी पढ़ाई करवा रहा हूँ। एक नॉर्मली एथलीट के लिए क्या क्या जो है डाइट चाहिए रही होती है? दूध है, केला है, अंडा है, चिकन है, ये सब हमारे उसमें आता है। तो क्या अभी आपको मतलब इन हालातों में, इस गरीबी में आपको क्या डाइट तक मिल पा रही है? नहीं। इनको हर प्रकार का यानी भोजन चाहिए, क्योंकि शरीर को मजबूत करने के लिए कैलोरी जरूरी है। जैसे हमारी फाइट पड़ती है तो हम लोगों को 2-3 दिन कुछ नहीं खाना रहता, कुछ भी नहीं, ना पानी ना कुछ। तो हमारा वेट कम होता है, फिर उस वेट के हिसाब से हमारी फाइट होती है। बच्चे को अगर आगे बढ़ाना है तो सरकारी मदद भी चाहिए और प्राइवेट मदद भी चाहिए। बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप और हम रोज मिल सकें।